नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 9 से। 8 तक तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और हाँ बाबू, इसे शेयर भी करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्या कह रहा है? टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर विथ ए 5 मीटर प्रति सेकंड कोलाइड, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। क्या कह रहा है कि दो कोई वस्तु है, सपोज कर लीजिए मान लीजिए ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। क्या कह रहा है? एक का वस्तु का मास कितना है? 2 kg, और एक का वस्तु का मास क्या है? 1 kg। 1 kg हो गया ये, 2 kg हो गया। अब क्या कह रहा है कि मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, मतलब क्या कह रहा है? एक है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा इसके क्या कह रहा है? अपोजिट ना, यानी ये क्या कह रहा है? इस डायरेक्शन में। यदि दोनों का डायरेक्शन अलग है तो यानी किसी न किसी के पॉइंट के बाद एक दूसरे को क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे या टकराएंगे। तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर आकर के दोनों क्या कर रहे हैं? टकरा गए। अब पूछ रहा है कि टकराने के बाद पूछेगा कि अब क्या क्वेश्चन करो, वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले इन सब का टोटल मोमेंटम क्या था? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम। तो इसका मास तो जान लेंगे, वेलोसिटी कितना दे दिया है, और दोनों का जो वेलोसिटी है क्या है? वो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है और ये भी क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो कोलाइड के पहले दोनों का टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो टोटल मोमेंटम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसी तरह से ड्रा होगा। दोनों क्या कर रहा है? अगेंस्ट इच अदर ना दोनों आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि एक यदि इस डायरेक्शन में आ रहा था, एक इस डायरेक्शन में आ रहा, दोनों क्या कर रहा है बाबू? अगेंस्ट इच अदर आ रहा है। तो दोनों का मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो हम क्या कर रहा है कि दोनों को कोलिजन के पहले मोमेंटम निकालना है, ठीक है, यानी जिस समय कोलिजन हो रहा है उसके पहले का मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ये क्वेश्चन ये नहीं किया कि किसके एवज में हमें किसका निकालना है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए, तो पहले इसका हम मोमेंटम निकाल लेते हैं, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कितना था मास? कितना है? 1 kg ना, और स्पीड कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और यदि इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 kg मास है तो 2 गुना स्पीड, तो इसका भी 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा? 10 kg मीटर प्रति सेकंड। क्या कर रहा है कि हमें टोटल जो जो यहाँ पर जो क्या कर रहा है बाबू? कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या कर, दोनों ईच अदर यानी आ रहे हैं, अगेंस्ट ईच अदर आ रहे हैं, यानी इसका जो मोमेंटम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 10 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 kg/s इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ ए गन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड, द गन रिकॉल्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, द गन रिकॉल्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मास ऑफ द गन। कुछ कह रहा है कि गन का मास, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग हूबहू बनाए थे आप लोग, क्वेश्चन नंबर आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन बनाया था, एकदम हूबहू इसी पर था। क्वेश्चन नंबर 3 हूबहू इसी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो 3 के जैसा ही होगा। यानी क्या हुआ, गोली का जितना मोमेंटम होगा उतना ही बंदूक का मोमेंटम होगा, दोनों का मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो पहले गोली का निकाल लेते हैं, यानी बुलेट का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट का क्या हो जाएगा? इसका मास कितना दे दिया है? 15 ग्राम, और इसका स्पीड कितना दे दिया है? 120 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर राइफल का निकाल लेते हैं, तो राइफल का तो मास हमें निकालना ही है, ठीक है। और इसका जो स्पीड दे दिया है कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड। जान रहे हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार भी, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू भी। सबसे पहले हम बुलेट का मोमेंटम निकाल लेते हैं, 15 ग्राम है ना, तो ग्राम को तो सबसे पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको? केजी में चेंज करना पड़ेगा, 1 तो 120 है ही, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 3 मरतबे कट जाएगा, 5 से
20 मरतबे कट जाएगा। दूसरे काट दीजिए ये 6 मरतबे या 10 मरतबे, दूसरे और काट दीजिए तो 3 मरतबे 5 मरतबे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बटा 5 इसका हो गया वैल्यू। और यहां से क्या हो जाएगा m गुना एक ना गुना एक, यानी यहां से m बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 5 के जी ना, तो 9 बटा 5 के जी यानी इसे निकाल सकते हैं 1.8 के जी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 0.5 के जी एट रेस्ट फॉर 10 सेकंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। यानी क्या कह रहा है कि कोई 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना केजी वस्तु का मास दिया है 0.5 केजी। ठीक है, इस वस्तु पर क्या कह रहा है कि 3 मीटर न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कब लग रहा है तो जब वह वस्तु रेस्ट में थी उसके बाद उस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। तो आइए देख लेते हैं, यानी टाइम 10 सेकंड के लिए ना फोर्स लग रहा है, यानी टी बराबर दिया है 10 सेकंड। ठीक है, और मास फाइंड द फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रेस्ट में तो यानी यू का वैल्यू क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, ये बराबर 3 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से हम ए निकाल लें क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी यानी वी पूछ रहा है, तो वी पूछ रहा है इसके लिए हम ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा एम ना, एफ बटा एम, एफ कितना है 3 न्यूटन, एम कितना है 0.5, डेसिमल हट जाएगा 10 ऊपर 5 दूना 10 यानी 6, ए का वैल्यू क्या आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी ने पूछ रहा है बाबू, तो भी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है यू प्लस एट्टी। ठीक है, यू कितना है 0 है, ए कितना हो गया 6 ना, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, यानी जो भी हो गया क्या हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड आ गया भी भाई। अब क्या पूछ रहा है आपको, आपको इसके मोमेंटम ना पूछ रहा है बाबू, यानी पी पूछ रहा है, तो पी बराबर एम भी ना, तो 0.5 भी कितना गया 60, डेसिमल हटा दीजिए एक जीरो नीचे आ जाएगा, 6 पचे 30 के जी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए सर्टेन मास ऑफ फॉर 3 सेकंड गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। जस्ट हुबहू क्वेश्चन है 11th जैसा ही, अगेन यहां पर रेस्ट में दे दिया है तो यू का वैल्यू क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। आपको कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, एफ का वैल्यू हो गया क्या 80 न्यूटन, कितना देर तक लग रहा है टी बराबर 3 सेकंड ना, तो 3 सेकंड हो गया। सर्टेन मास एक्टिंग ऑन इट गिव्स इट ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये बढ़ के कितना हो जा रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका मास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए ना, ए निकाल लेते हैं, ए का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी ना। ठीक है, तो ए बराबर तो वी कितना है 6 है, यू कितना है 0 है, टाइम कितना है 3 सेकंड, यानी 6 बटा 3 यानी क्या हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन यहां से आ गया, ये का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए तो एफ का तो वैल्यू हमें पता है ना, तो एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है एफ बटा ए, एफ कितना है 80 न्यूटन बटा ए कितना हो गया 2 ना, यानी क्या हो जाएगा 40 के जी। ठीक है, अब बेटिंग 200 केजी फायर्ड फ्रॉम ए गन विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड इफ द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज 12.5 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द मास ऑफ द गन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है वो, जिसका वेट क्या है 200 ग्राम है, एक प्रोजेक्टाइल जैसे बड़ा वाला बंदूक से समझ सकते, तोप समझ सकते हैं। ठीक है, वो उसका मास कितना दिया है कि 200 केजी है, यानी तोप का जो मास है कितना है 200 केजी है। फायर फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर प्रति सेकंड से क्या रहा है उसे फायर हो रहा है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी फायर फ्रॉम कितना है वो 500 मीटर पर सेकंड, यानी भी क्या हो गया 500 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब पीछे हटने का जो वेग हो गया ये कितना है, इसका तो एम निकालना है, यानी भी दे दिया कितना 12.5 मीटर प्रति सेकंड, पूछ रहा है कि इसका एम क्या होगा। तो ये जान लेते हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, बराबर ही होगा,
इसका पहले मोमेंटम निकालते हैं, 200 केजी है ना गुना 500, इसके बराबर ना होगा एम गुना 12.5, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 200 गुना 500 बटा 12.5, डेसिमल हटाएंगे 10 और लिखते हैं काट दीजिए, यह 25 से कट जाएगा, 25 या 5 मरतबे कट जाएगा, या 25 से 8 मरतबे कट जाएगा, या 5 दो मरतबे कट गया तो 8 दूनी 16, 16 पचे 80 ना 1 2 0 और हो गया, यानी 8000 केजी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मास आ गया, किसका बाबू है, गन का आ गया। ठीक है, गन ही से यहाँ पर गन दे दिया, मेरे यहाँ पर क्या हुआ, तोप होगा। ठीक है, तोप से जानते हैं कि बड़ा बड़ा गोला निकलता है। ठीक है, क्योंकि तोप का चर्चा है, नॉट ए गन, यहाँ पर गन दे दिया है भले ही, मेरे यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा एक्चुअल में तोप का। बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, लेवल 1 का आखिरी क्वेश्चन है। ए कार ऑफ मास 2500 केजी एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड देन एट रेट ऑफ 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इन द टू केस। दो केस में कह रहा है, दोनों में कार का मास कितना है 2500 केजी, इसमें भी क्या है कार का मास 2500 केजी, यहाँ पर जो एक्सलरेशन दे दिया है ए बराबर कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सलरेशन क्या है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि मान ली कि एफ वन यहाँ पर निकालें और यहाँ पर एफ टू, एफ वन बटा एफ टू का रेशियो क्या होगा वो हम निकालना है। तो ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले एफ वन निकाल लीजिए, तो एफ वन बराबर क्या हो जाएगा, एम कितना है 2500 ना, 2500 गुना 4। ठीक है, और एफ टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2500 गुना 16, एफ वन बटा एफ टू ना हमें पूछ रहा है, एफ वन बटा एफ टू यानी क्या हो जाएगा 2500 गुना 4 बटा 2500 गुना 16, 2500 से 2500 कैंसिल और 4 से 16 4 मतलब यानी 1/4 यानी 1:4। ठीक है,